अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम टी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे नोकिया 7.2 की डिवाइस को, जिसको मिल चुका है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। जी फ्रेंड्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट नोकिया 7.2 को मिल चुका है। आज बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर और देखेंगे इस अपडेट के अंदर कौन सा सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, इसका अपडेट साइज़ क्या है और इसका चेंज लॉग क्या है। और ये भी मैं बताऊंगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी मिल जाए नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए। तो वीडियो मेरे साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप और वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर वॉच करना चाहते हैं तो साथ में आपको नोटिफिकेशन बेल भी नज़र आ रही होगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको आपके डिवाइस के ऊपर जो है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि आज नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ और शेयर करता चलूँ वो सिक्योरिटी पैच अपडेट जो मिला था इसी मंथ के अंदर शुरू में, यानी जुलाई के मंथ के अंदर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो दिया गया था नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए, जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो अपडेट साइज़ था वो 6.05 MB का था और इसके अंदर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। और अब जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट वो भी रोल आउट कर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर उस अपडेट का इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो अवेलेबल है नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसका अपडेट साइज़ क्या है। यहाँ पर बॉटम पे आप लोग देख सकते हैं 9.31 MB। जी फ्रेंड्स, जस्ट 9 से 10 MB का अपडेट साइज़ है, इजीली आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो हो जाएगा, नॉमिनल सा अपडेट साइज़ है। और इसके पहले हम यहाँ पर टॉप पे चले जाते हैं और नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट गूगल सिक्योरिटी पैच। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अपडेट के अंदर हमें मिलता है गूगल का एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, वर्स न्यू है। वर्स न्यू के अंदर गूगल सिक्योरिटी पैच 2021-07। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जुलाई का जो है 07/2021 जो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो था वो मिला था जुलाई के शुरू के अंदर, और उससे पहले जो था मई के अंदर आप लोगों को एक कैमरे की एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिली थी, यानी कैमरे का न्यू एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल थी नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए। और अब जो है फाइनली नोकिया 7.2 के लिए लेटेस्ट जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर हो सकता है कि इस अपडेट के बाद विद इन 1 to 2 मंथ, जी फ्रेंड्स, विद इन 1 to 2 मंथ, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और इस क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर इस अपडेट के अंदर इसके बाद एडवाइजरी नोटिस है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूजर यूज़ वाईफाई वेरेवर पॉसिबल इन ऑर्डर टू डाउनलोड अपडेट्स। इफ़ यू विश टू यूज़ सेलुलर मोबाइल कनेक्शन, प्लीज़ नोट दैट डाउनलोडिंग डेटा ओवर अ सेलुलर मोबाइल नेटवर्क इंक्लूडिंग व्हेन इन अ रोमिंग एनवायरनमेंट में इनकर एडिशनल चार्जेस, चेक विद योर नेटवर्क प्रोवाइडर शुड यू हैव एनी कंसर्न। तो यहाँ पर जो है एडवाइजरी नोटिस दिया जाता है कि रिकमेंड करते हैं कंपनी वाले, नोकिया वाले, कि इस अपडेट को डाउनलोड करें वाईफाई के थ्रू और कोशिश करें कि इस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉलेशन जितनी भी है वो वाईफाई के ऊपर ही आप लोग करें। यहाँ पर जो है जस्ट 10 MB का अपडेट साइज़ है, 9 MB का अपडेट साइज़, इसलिए आप लोग अपनी डिवाइसेस के ऊपर इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको सिम के थ्रू भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वाईफाई के थ्रू भी डाउनलोड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप इसको सिम के थ्रू भी डाउनलोड करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। दोनों सूरतों में आप इसको अपडेट को जो डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता चलूँ, सबसे पहले आप लोगों ने अपने डिवाइस का जो बैकअप है इंपॉर्टेंट डाटा का वो आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है ताकि आपका डाटा लॉस जो है वो ना हो। और उसके बाद जो आप लोगों ने अपने इस डिवाइस के अंदर जो है वो इस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये किन मार्केट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है, किन कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को नोकिया 7.2 की डिवाइस के अंदर ये लेटेस्ट जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान है और इसके बाद इजिप्ट है। जी फ्रेंड्स, मिस्र, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीन कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो अवेलेबल है नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट। और पॉसिबली बहुत जल्द जो है वो इसको एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपडेट भी जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 11 के रोड मैप के अंदर जो है वो थर्ड क्वार्टर के अंदर नोकिया 6.2 और 7.2 को जो है वो रखा गया है, और
नोकिया 7.2 को जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर के अंदर ही लेटेस्ट एंड्रॉयड का 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो भी मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनको अभी तक एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिला, जिसके अंदर 5.3, 5.4 और नोकिया 9 प्योर व्यू, इनको अभी तक एंड्रॉयड 11 का जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिला। और नोकिया 6.2 और 7.2 भी इसी लाइन के अंदर शामिल है, जिनको अभी तक जो है वो एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी मिल जाएगा नोकिया 7.2 की डिवाइस के लिए। मगर आज जो है वो फाइनली जुलाई का स्कोडी पैच अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया गया है नोकिया की तरफ से, और बहुत जल्द जो है वो एंड्रॉयड 11 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस के ऊपर सबसे पहले मिल जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।